इसके लिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके नया पे की जो ऐप है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको इसे ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे लास्ट पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो नेम है वो फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आप अपना लास्ट नेम जो है वो ऐड करेंगे। लास्ट नेम ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल जो है जीमेल जो है वो यहाँ पे अटैच करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा आपका सेल नंबर जो कि आपके पास मौजूद हो और एक्टिव हो, क्योंकि इस पे आपको वन टाइम पासवर्ड भी आएगा। तो ये देखें आपके पास वन टाइम पासवर्ड जो है वो आ चुका है और आपने यहाँ पे इसको अटैच कर लेना। अगर आप वही सिम इसी मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ही ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नया पे की आईडी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आप अपना नाम अटैच कर सकते हो या फिर कोई और भी यूनिक नेम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो पासवर्ड है वो अटैच करना है, या फिर अगर आप यहाँ पे जनरेट यूनिक आईडी पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको जो अवेलेबल आपके नाम के लिहाज से आईडी मौजूद होगी वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। उसके बाद पासवर्ड जो है ये आपने ऐड करना है, इसके अंदर लेटर है, नंबर है, सिंबल है, उसके बाद एक डिजिट आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो ये देखें तो आप जो है वो नया पे में साइन इन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट वैलेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपने सारी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे अटैच कर देनी है, जिसके अंदर आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपने जो अपना एड्रेस टाइप किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये गूगल मैप के थ्रू आपकी जो लोकेशन है वो शो करा देगा। आपने वहाँ इसे जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म लोकेशन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एक जो सेल्फी है वो अटैच करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CNS की फ्रंट एंड जो बैक है वो यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद ये देखें तो ये हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको ईमेल आई होगी वेरीफाई ईमेल की, तो वो आपने जाके अपनी जो जीमेल है उसको ओपन करके यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो पिन है वो क्रिएट कर लेते हैं। 6 डिजिट आपने यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी के जो है वो एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपसे ये यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, वो आपने यहाँ पे ज़रूर अटैच कर लेने हैं। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो उसके लिए ये आपसे ये वेरिफिकेशन के लिए ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये पूछेंगे। तो ये हमारा जो वैलेट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखें तो इस वक्त हमारा जो बैलेंस है वो 0 है यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, हम वर्चुअल कार्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, वर्चुअल कार्ड क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आप यहाँ पे इसके अंदर मिनिमम 300 का बैलेंस ऐड नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे अपना जो ये कार्ड है ये देखें तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसको हम एक्टिवेट करेंगे तो देन ये यूज़ेबल होगा किसी भी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन। तो इसको एक्टिवेट करने से पहले आपने ये करना है कि आपने अपना जो नया पे का अकाउंट क्रिएट किया है इसके अंदर आपने मिनिमम जो है 300 का जो बैलेंस है वो ज़रूर ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज़ आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे। ये देख सकते हो हमने इसे ऐसे ही एक्टिवेट करने की कोशिश की है, तो वो कह रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम जो है 300 का जो बैलेंस है वो होना चाहिए, उसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो अपने कार्ड को। ना सिर्फ कार्ड को बल्कि इसके दूसरे जो फंक्शन है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप इसके अंदर 300 का बैलेंस ऐड नहीं करते। अच्छा, ये इनकी फ़ी नहीं है, ये आपके अकाउंट में ही रहते हैं, आप इनको बाद में यूज़ भी कर सकते हो। ये हमने इसके अंदर जी 500 का जो है बैलेंस है वो ऐड कर लिया। ये देखे तो UPI के थ्रू मैंने ऐड किया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आप किसी भी बैंक की ऐप जो है उसको यूज़ करते हुए इसके अंदर जो अमाउंट है वो कैसे ट्रांसफ़र करनी है, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैं पहले से ऐड कर लिया लेकिन फिर आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं तो लिंक बैंक पे, यहाँ पे देखें तमाम बैंक की ऑप्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखें तो ये डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर लेना अगर आपको ऊपर वाली ऑप्शन के अंदर अपना जो रिलेटेड बैंक का वो नज़र नहीं आता। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो UBL है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर आके यहाँ पे पेमेंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे माई पे इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे वो बैंक को सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए यहाँ पे आपने जस्ट नया पे एक ऐड यहाँ पे सर्च करने के लिए यहाँ पे जस्ट नया पे टाइप करते हैं, तो ये देखें आ चुका है। इसको सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे अकाउंट नंबर अटैच कर लेंगे। अकाउंट नंबर वही है जो आपका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक और यहाँ पे देखें तो इस तरह आप यहाँ पे अपना जो किसी भी बैंकिंग ऐप को यूज़ करते हो भी नया पे के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो।
अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे आप एक्टिवेट कार्ड पे आएंगे तो ये आसानी के साथ हमारा जो कार्ड है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट भी कर देते हैं क्लिक। ये आपसे जो एम पिन है वो एक दफ़ा फिर आप मांगेगा, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है एंड देन ओके पे क्लिक कर दोगे। तो ये देखें जी, आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है और इसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ़िज़िकल चाहिए हो वो भी मिल सकता है, फ्री में है वो भी, किन हम यहाँ पे जस्ट वर्चुअल ही देंगे। और इसकी डेली जो लिमिट है वो यहाँ पे 50,000 पर डे है। इससे आप अपग्रेड भी कर सकते हो, फिर ये होगा कि आपकी जो ये डेली की लिमिट है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह आप नया पे को यूज़ करते हुए इस पे आसानी के साथ अकाउंट बना सकते हो और विद इन फ्यू मिनट आप अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, वो क्रिएट कर सकते हो और किसी भी जगह पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए से यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट भी सेंड कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। लेकिन मैं जिस पर्पस के लिए इसको यूज़ करूँगा, मैं इसलिए यूज़ करूँगा कि मुझे इसे ऑनलाइन परचेजिंग या फिर कोई फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए, इंस्टा पे ऐड रन करने के लिए, तो इस जगह तरह के तरीकों के लिए इसे यूज़ करना है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्रिएट किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।